हमारे गुणायतन के स्वर्ण संरक्षक श्रीमान मुकेश जी पाटोदी और परम संरक्षक अशोक जी दोषी ये आएंगे हमारे सम्माननी। आइए मनीष मोना स्वर्ण संरक्षक गुणायतन आइए। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा उस व्यक्तित्व को, श्रीमती रानी दोषी जी भी आएंगे महिला सम्मान के लिए। आइए हमारे बीच में मनीष जी मोना जी दुबई स्वर्ण संरक्षक गुणायतन हमारे बीच उपस्थित हैं और इनके सम्मान के लिए मैं आभार दे रहा हूँ। मुकेश जी पाटोदी, अशोक जी दोषी, रानी जी दोषी ये आएंगे सम्माननी। मनीष जी मोना जी दुबई उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजा कर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा उस शख्स को जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया है। भारत सरकार के एक प्रमुख घटक अंतरिक्ष विभाग व देश की जानी मानी संस्था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में पिछले 24 वर्षों से जो कार्यरत हैं हमारे बीच उपस्थित हैं गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर प्रफुल्ल जी संध्या जी अहमदाबाद वे आएंगे। परम पूज मुनियर के श्री चरण वंदन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान सुशील जी पांड्या और साथ में हमारे श्रोमण संरक्षक। हाँ जी मैं आमंत्रित करूंगा, आइए डॉक्टर प्रफुल्ल जी वे आए और उनके सम्मान के लिए सुशील जी साथ में मनोज जी वाकलीवाल आएंगे। आइए श्रीमती संध्या जी आप भी आ जावे, जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें इसरो में जो अपनी सेवाएं देते हैं। देखिए अभी चंद्रयान मिशन जो था उसके समूह में भाई प्रफुल्ल भी थे, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन करें। अब मैं चाहता हूँ सत्र की शुरुआत करें और पहला सवाल प्रफुल्ल जी से शुरू कर दें और आगे कार्यक्रम को गति दें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कई बार समय कम होने के कारण जब हम लोग अभिषेक करने जाते हैं या शांति धारा करने जाते हैं तो हम पूरी प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते, और जैसा कि जब तक श्री जी को वापस दोबारा तो क्या यह उचित होगा और या हम देखिए उचित तो यही है कि आप पूरी प्रक्रिया करें पर सामूहिक कार्यक्रम में बहुत समय लगता है और उतना समय अगर हम कहें तो हो सकता है आप जैसे लोग कह के भी करो ही नहीं, तो न करने से अच्छा है। नीति गति सर्वनाशे समुत्पन्न अर्धम तरित पंडित, न करने से जितना कर लो उतना अच्छा। चलिए ओम आगे। कपिल जी जैन इंदौर और उसके बाद में तैयार रहेंगे। मैं बारम्बार नमस्तु चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया और खबर फैलाई गई थी बाजार में कि मैं बीमार हूँ और लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया, तो इस बीमारी का इलाज कैसे करूँ गुरुदेव? बस इसका इलाज एक ही, भावना यो करो सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ो। ओम सुधा जैन इंदौर और उसके बाद में पुष्पा प्रकाश चटारिया इंदौर, यदि उपस्थित है तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अवनी जैन इंदौर। मंच पर विराजित साधु परमेश जी को कोटिशय नमन वंदन व अर्पण, चुलक जी महाराज के चरणों में इच्छामी, प्राणी मात्र की ओर से वंदन। महाराज जी इंदौर बहुत उत्सव प्रिय शहर है, यहाँ पे सब त्योहार 8-10-15 दिन चलते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार दस्तक दे चुका है, इस दिन भगवान वे गुरु को राखी समर्पित की जाती है, इसका क्या प्रयोजन है और यह राखी कैसी होनी चाहिए, किस तरह समर्पित करना चाहिए? देखिए रक्षाबंधन आशय समझिए, निश्चित रक्षाबंधन एक महापर्व है, वर्तमान में इसका एक ही रूप ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया हो भाई और बहन के संबंधों का, निश्चित ये एक पवित्र संबंध है, लेकिन रक्षाबंधन का इतने तक संबंध नहीं है, ये हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है और प्रतिबद्धता के लिए हम लोग एक दूसरे के हाथ में कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधते हैं, और रक्षा सूत्र कच्चे धागे का होता है, जिस बात का प्रतीक है कि हम एक दूसरे की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। ये धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, एक नीति की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, सब संदर्भों में हो सकता है। हम लोग जो मंदिर में राखी अर्पित करते हैं या गुरुओं के समक्ष राखी अर्पित करते हैं उसका एक ही भाव है कि हम देव धर्म और गुरु के प्रति प्राणपन से समर्पित रहेंगे, अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट करने के लिए राखी अर्पित की जाती है और ऐसा किया जाना चाहिए। ओम सावनी जैन तिलकनगर और तैयार रहेंगे अनुश्री जैन इंदौर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मेरा नाम अवनी जैन है, मैं इसी वर्ष IIT दिल्ली से पास आउट हुई हूँ और गुड़गांव में नौकरी करती हूँ। मैं अपने ज्ञान के अभाव के लिए क्षमा मांगती हूँ, पर स्कूल में हिस्ट्री में यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू धर्म पहले आया और उसमें से दो धर्म अलग उपजे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जबकि हमारा जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। मैं अपने दोस्तों को यह एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे इसका ज्ञान नहीं है। मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं जैन धर्म के ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में कहाँ से अथवा क्या पढ़ सकती हूँ। यह सब जानने से मेरा और हम सबका जैन धर्म में बिलीव स्ट्रांग होगा। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के मूलभूत इतिहास को ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाता। सवाल कौन पहले आया और कौन बाद में आया इसका नहीं है, सवाल इतिहास की स्पष्टता का है। भारत के इतिहास को लोगों ने अपने सांप्रदायिक अभिनिवेश के कारण गलत तरीके से प्रस्तुत किया, परिणामतः हमारा मूलभूत इतिहास पीढ़ियों से ओझल हो गया। हमें अपने मूलभूत इतिहास को ठीक तरीके से समझना चाहिए। जैन धर्म भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है और ये एक स्वतंत्र धर्म है। ये किसी धर्म की शाखा या भेद के रूप में कभी भी प्रकट नहीं हुआ। जैन शास्त्रों के अनुसार इसकी प्राचीनता तो है ही, लेकिन अन्य अनेक प्रमाणों से इस बात की पुष्टि होती है कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। आपकी जानकारी के लिए मैं इतना कहूँगा कि किसी भी परंपरा के इतिहास को जानने के लिए हमें तीन सिरे पर विचार करना पड़ता है। सबसे पहला साहित्य, दूसरा पुरातत्व और तीसरा अभिलेख। साहित्यिक संदर्भों की बात करें तो वर्तमान साहित्य में सबसे प्राचीन साहित्य है ऋग्वेद। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक उल्लेख है। डॉक्टर गोकुलचंद जैन के अनुसार ऋग्वेद की 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक उल्लेख है। तो ये भगवान ऋषभदेव की प्राचीनता का एक आधार है। निश्चित वैदिक आर्यों के आगमन और ऋग्वेद की रचना काल में भगवान ऋषभदेव प्रतिष्ठित हो चुके थे, तभी वैदिक ऋषियों ने भगवान ऋषभदेव का इतना सम्मानपूर्ण स्मरण किया। इसके साथ अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि अन्य वैदिक ग्रंथों वेदों में भी इनका उल्लेख पाया जाता है। इसके अलावा पुराण ग्रंथों में भी अनेक सह भगवान ऋषभदेव और कुछ अन्य तीर्थंकरों का उल्लेख है। भागवत के पंचम स्कंद में उन्हें विष्णु का अवतार के रूप में माना गया है। इसी तरह कुन पुराण, बराह पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि अन्य अनेक पुराणों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख होना उनकी पौराणिक काल में प्रतिष्ठा का द्योतक है। इसी तरह हम बौद्ध साहित्य में देखें तो बौद्ध ग्रंथ दाढ़ावंशो, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और महावग्ग जैसे ग्रंथ हैं जो बौद्धों के बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं। भगवान महावीर के काल में जो प्रचलित हो चुके थे उन ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। तो इस तरह से हम देखें तो प्राचीन भारतीय साहित्य में वैदिक, पौराणिक और बौद्ध ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख होना भगवान ऋषभदेव और जैन धर्म की प्राचीनता को प्रकट करता है। दूसरा है पुरातत्व। पुरातत्व की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में भारत की संस्कृति में सबसे प्राचीन सभ्यता का पता चलता है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर जानी जाती है, जिसे प्राग वैदिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है, जो आज से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जो अवशेष प्राप्त हुए उनका अध्ययन हुआ। हर और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का किला, जो पाकिस्तान के लरकाना जिले में, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में था, और उसके उत्खनन जब किया गया 1911 के आसपास, तब उस समय के तात्कालीन पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा, उनकी एक शोध कृति है सिंध 5000 से गोज, उसमें उन्होंने इस बात का बहुत स्पष्टतः उल्लेख किया कि यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं और उनमें कुछ मुहरे प्राप्त हुए हैं वे जैन तीर्थंकरों के प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं। उनमें FGH
FGH फलक संख्या FGH449 में ऋषभ देव की कायुत्सर्ग मुद्रा उत्कीर्ण है। बाजू में एक बैल भी बना है और वहीं भरत चक्रवर्ती उनको प्रणाम कर रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि सिंधु घाटी के काल में भगवान ऋषभ देव की पूजा अर्चा होती थी। इसी प्रकार हड़प्पा के उत्खनन से एक नग्न मानव धड़ मिला है, जिसमें सिर नहीं, दोनों हाथ नहीं और दोनों पैर नहीं। बीच का अंश मिला जिसमें पूरी तरह दिगंबरत्व दिखता है। उस पर उस समय के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल मिस्टर T.N. रामचंद्रन, उनकी एक शोध कृति है हड़प्पा एंड जैनिज्म। उसमें उन्होंने स्पष्टतया लिखा, ये हो न हो स्पष्टतया जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है। और ऐसी की ऐसी प्रतिमा पटना के पास लोहानीपुर से, जो ईसापुर तीसरी शताब्दी की थी, वो भी प्राप्त हुई है। तो इसका पूरा का पूरा साम्य है। इन सब आधारों पर अनेक विद्वानों ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि जैन धर्म वैदिक काल से भी पुराना धर्म है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, उनकी एक कृति है शोध कृति हिंदू सभ्यता, आप उसे पढ़े तो उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के इस प्रसंग को रेखांकित करते हुए कि इस आधार पर जैन धर्म का की शुरुआत ताम्र युगीन शैव सभ्यता तक तो चली ही जाती। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक भारतीय दर्शन इंडियन फिलॉसफी में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि जैन धर्म वेदों लिखित होने पर भी वेद पूर्व है, इसके सबल प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, बलदेव उपाध्याय, M.L. शर्मा जैसे, वासुदेव शरण अग्रवाल जैसे अनेक, वाचस्पति गैरोला जैसे अनेक भारतीय विद्वान और अनेक पाश्चात्य विद्वान ने अपना मत, फुहरर जैसे विद्वानों ने अपना मत स्पष्ट किया है कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। डॉक्टर हरमन जकोबी, डॉक्टर फुहरर और अन्य अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी लिखा। इसी तरह तीसरा है अभिलेखीय साक्ष्य। तो अभिलेखीय साक्ष्य में हमारे पास एक बहुत प्राचीन अभिलेख मिलता है जो उड़ीसा के कुमारी पर्वत पर स्थित खंडगिरी उदयगिरी में सम्राट एल खारवेल, सम्राट चक्रवर्ती की उपाधि जिसे प्राप्त थी, उसके द्वारा उल्लिखित 84 पंक्तियों का लेख है, जिसकी शुरुआत नमो अरहंतानम नमो सब सिद्धानम से है। और उसमें उन्होंने पूरा विवरण दिया कि कलिंग में 8वीं शताब्दी तक प्रोफेसर नीलकंठ साहू ने अपनी शोध कृति लिखी है उड़ीसा में जैन धर्म, और उसमें इस बात का उल्लेख किया कि 8वीं शताब्दी तक कलिंग में जैन धर्म वहाँ का राष्ट्र धर्म था, बहुसंख्यक जनता जैन धर्म का अनुपालन करती थी। तो उस उड़ीसा की बात में कह रहा हूँ कि वहाँ भगवान ऋषभ देव को कलिंग जिन के नाम से जाना जाता था। कलिंग जिन भगवान ऋषभ देव की एक प्रतिमा का नाम था और पूरे कलिंग के लोग उन्हें अपने मूल आराध्य के रूप में पूजते थे। तो उस क्रम में ऐसा हुआ कि नंदवंशी राजाओं में 9वें नंद, जो सबके सब जैन धर्म के पालक थे, उनमें से 9वां नंद कलिंग पर चढ़ाई किया, और कलिंग पर चढ़ाई करके चूंकि वो जैन था, कलिंग जिनको लेकर उज्जैनी में स्थापित कर दिया। मगध की राजधानी उन दिनों उज्जैनी थी। फिर इसके बाद मगध राज का थोड़ा सा नंदवंश थोड़ा सा कमज़ोर हुआ और उज्जैनी से उसकी राजधानी पाटलिपुत्र बन गई। पाटलिपुत्र का राजा था पुष्यमित्र, जो थोड़ा कमज़ोर था, और इधर कलिंग का राजा बना एल खारवेल, महामेघ वाहन एल खारवेल, जो बड़ा प्रतापी राजा था। उसे जब पता लगा कि हमारी धरोहर को नंदों ने हर लिया है, तो उसके अंदर का खून खौल उठा, उसका स्वाभिमान जाग उठा, उसका हृदय अपनी परंपरा के रक्षा के लिए उद्दीप्त हो उठा। उसने तय किया कि जब तक हम नंदों से अपनी धरोहर को वापस नहीं लाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। उसने पाटलिपुत्र पर सदल बल आक्रमण किया और पुष्यमित्र को बंदी बनाया। न केवल बंदी बनाया, अपितु भगवान ऋषभ देव की उस प्रतिमा को, जो कलिंग जिनके नाम से ख्यात थे,
उन्हें रथ पर विराजमान करके वो वहाँ कंडगिरी उदयगिरी में विराजमान किया और 200 योजन तक रहने वाले सारे साधुओं का महासम्मेलन किया। ये सारा उल्लेख उस 84 पंक्तीय खंडगिरी उदयगिरी की हाथी गुफा में उत्कीर्णित लेख में, यदि आप गूगल करो तो हो सकता है हाथी गुफा का शिलालेख लिखो तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में मिले। तो ये इतिहास है। और ये कब की बात है, तो ये एल खारवेल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आसपास हुआ और उससे लगभग 200 वर्ष पहले 250 वर्ष पहले ये घटना घटी थी। तो इस आधार पर लिखा गया कि भगवान ऋषभ, महावीर के काल में भी भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी, इसलिए जैन धर्म का संबंध भगवान महावीर से न मानकर ऋषभदेव से मानना चाहिए। समझ गया। तो इन सब बातों को अगर आप संक्षेप में और सप्रमाण जानना चाहते हैं तो हमारी एक कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसमें एक छोटा सा चैप्टर है जैन इतिहास एक झलक, आप जरूर पढ़ें। 25-30 पृष्ठों में आपको सब बातें सप्रमाण मिल जाएगी और जो कोई आपसे कहे उनसे बहस करने की जगह कह देना थोड़ा इनको पढ़ लो फिर मुझसे बात कर। आगे सावनी जैन तिलक नगर उपस्थित हो, अनुश्री जैन इंदौर। महाराज श्री के चरणों में मेरा त्रिवर्ण नमोस्तु। महाराज जी, ये मेरी माँ है अर्चना जी जैन, इनका भी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल है आपसे कि आजकल जो यंगस्टर्स की लाइफ स्टाइल है, जैसे कभी भी उठना, कभी भी खाना, बेटाइम सोना, बहुत टाइम तक सोशल मीडिया चलाना, तो इससे कई बीमारियां जो कि बुढ़ापे में होती है, डिमेंशिया जैसी, मेमोरी लॉस, आईसाइट वीक होना, तो ये आजकल ही यंगस्टर्स में होने लगे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप एड्रेस करें कि एक यूथ का लाइफस्टाइल, दिनचर्या क्या होनी चाहिए जिससे वो हेल्दी रहे, मेंटेन रहे और उसका जो डेली रूटीन है वो मेंटेन रहे। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। आज के समय के लोगों की जो लाइफस्टाइल है उससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और उसके दुष्परिणाम भी सबके सामने दिख रहे हैं। हमें इसके लिए समय रहते समझना पड़ेगा, जागना होगा। लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ी जो समस्या है वो लेट सोने की, वहाँ से सारी समस्याएं शुरू होती। देर रात तक काम करना, देर रात तक पढ़ना, या कुछ काम नहीं है तो सोशल मीडिया में अपनी रात गंवाना और देर रात सोना। हम लोगों का जो उठने का समय होता है वो आप लोगों को सोने का समय बन गया है। ये नेचर के अगेंस्ट है और ये बात सबको गांठ में बांध लेना चाहिए कि प्रकृति के विरुद्ध आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। मैंने बहुत पहले एक छनिका लिखी, कृत्रिम प्रकाश कर मनुष्य ने भले ही रात को दिन बनाना चाहा, मनुष्य ने कृत्रिम प्रकाश कर भले ही रात को दिन बनाना चाहा, मनुष्य ने कृत्रिम प्रकाश कर भले ही रात को दिन बनाना चाहा, पर नींद से अधमुदी आँखों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि अभी दिन है। बात समझ में आ रही? तुम कितने भी संसाधन बढ़ा लो, कितने भी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा लो, प्रकृति से आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी अपने जीवन के साथ खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इसका खामियाजा आने वाले दिनों में भोगना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें परिवर्तन होना चाहिए। हमें जल्दी उठने का अभ्यास करना चाहिए, देर तक सोने की प्रवृत्ति कतई अच्छी बात नहीं कही जा सकती। और एक सबसे रहस्य की बात तो ये है
कि आज आप लोगों का रथ जगा होता है ज्यादातर अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों के कारण, पर इन दिनों बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आए, मैंने देखा उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, वो बहुत फास्ट है और सुबह 7 बजे से अपने काम में लगते हैं और रात के 8 बजे के बाद काम सिमट जाता है, उससे आगे काम नहीं। तो वो तो आराम से रात में सोते हैं, आपको रात में जगना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों, सबसे फालतू आप ही हो क्या? सिस्टम बदलना चाहिए, क्यों ना हो दोनों के बीच का एक टाइम निकले जिसमें उनका भी रत जगह कम हो और अपना भी रत जगह कम हो तो बचाव हो। पर भारत के लोग हैं हर रंग में रंग जाते हैं, उनको तो पैसा चाहिए और कुछ नहीं। पर ध्यान रखना, पैसा बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं। और अगर तुमने अपनी प्रकृति को नहीं समझा, नहीं संभाला, तो एक समय तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे काम में नहीं आने वाला, और ऐसा अक्सर देखने में आ रहा है। जल्दी उठने का आदत डालिए, एक ये परिवर्तन हो गया तो सारा चक्र बदल जाएगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का रसायन ज़्यादा डेवलप होता है, उससे हमारे शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा स्फूर्ति की अनुभूति होती है, लेकिन लोग सोते रह जाते हैं। आजकल के लोगों का सूरज ही 8 बजे 9 बजे 10 बजे उगता है, तो जिसका सूरज लेट उगेगा उसके भाग का सूरज कैसे जागेगा? ध्यान रखना, सूरज उगने के बाद भी जो सोया रहता है, सूरज उगने के बाद भी जो सोया रहता है उसके भाग का सूरज कभी नहीं उग पाता। अपने भाग के सूरज को उगाए रखना चाहते हो तो सूरज उगने से पहले बिस्तर छोड़ने के लिए संकल्पित हो जाओ। फिर आप अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा योग, ध्यान, चिंतन इसको लीजिए, जिससे स्ट्रेस मैनेज हो। भावना योग कीजिए, कुछ ना हो 5 मिनट का भावना योग करें। आज स्ट्रेस लेवल हर किसी में, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब स्ट्रेस के शिकार हो, उसको मेंटेन करने का अभ्यास कीजिए। प्रभु भक्ति कीजिए, प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, कुछ रिचुअल्स के लिए टाइम दीजिए, अपने लिए जिए, अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को ठीक रखिए। यदि सुबह से आप अपने तन मन को रिचार्ज कर लोगे तो दिन भर अच्छे से काम कर पाओ। तीसरे चरण में अपने खान पान पर ध्यान रखिए। आजकल लोगों का आहार विहार बड़ा अनियमित हो रहा है, न तो उनका समय सुनिश्चित है न सामग्री सुनिश्चित है। क्या खाना क्या नहीं खाना इसका कोई विवेक नहीं, जो मिले सो खाना, जब मिले सो खाना, जैसा मिले सो खाना, तो क्या बाद में दवा भी खाना। ढेर प्रकार की बीमारियां आ जा रही हैं, आपकी बढ़ती हुई बीमारी का एक बड़ा कारण बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल है। फास्ट फूड से परहेज कीजिए, असमय भोजन से परहेज कीजिए, अनियमित भोजन से परहेज कीजिए, वक्त पर खाइए और सही खाइए, सीमित खाइए, सात्विक खाइए और हमेशा स्वस्थ रहिए। यह आपको जरूरी है। इतनी सी चीजें अगर आपने अपने लाइफस्टाइल में जोड़ दी तो आप अपने जीवन का रस ले पाएंगे, और ये बातें यदि आपकी लाइफस्टाइल से नहीं जुड़ती तो आपको अपना जीवन केवल ढोना पड़ेगा, कर कुछ नहीं पाएंगे। बाकी तो और बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जा सकती है, पर ये चारों बातें यदि आप कॉमन रूप से अपना लें तो मैं समझता हूँ बच्चे बड़े बूढ़े सबके जीवन में बेहतरी हो सकेगी। बोलो। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु सावनी जैन, इंदौर। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में IRS नितिन किरण जैन यहाँ पर उपस्थित है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम सावनी जैन है, मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। महाराज जी, मम्मी मुझे रोज़ मंदिर जाने के लिए बोलती है और मैं जाती भी हूँ। मंदिर जाके मैं नमोकार मंत्र भी बोलती हूँ, चावल भी चढ़ाती हूँ और दर्शन भी करती हूँ। यह सब वैसे ही है जैसे रोज़ नहाना है, रोज़ खाना है, रोज़ स्कूल जाना है। तो महाराज जी,
भगवान से हमें हम कैसे जुड़े रहे कि हमें यह रोज का काम ना लगे और हम श्रद्धा से मंदिर जाएं। बिल्कुल सही है, हर माँ बाप अपने बच्चों को धार्मिक क्रियाएं करने के लिए प्रेरित करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन एक चूक होती है कि प्रेरणा तो देते हैं पर क्यों करना ये सब नहीं करते, और हम लोग हर कार्य को रूटीन की भांति करने लगते हैं। कार्यों को रूटीन की तरह ना करें, कार्यों को इस तरीके से करें कि वो हमारी रूटीन बदल दें। समझ गए? आपने पूछा ये सब ऐसा ना हो उसके लिए क्या करें, तो सबसे पहला एक काम करो कि मंदिर मत जाओ, मंदिर जाना बंद करो। क्या बोल रहा हूँ? मंदिर जाना बंद करो, भगवान से मिलना शुरू कर दो। आप मंदिर जाओगे तो रूटीन होगा और भगवान से मिलने जाओगे तो आपकी रूटीन बदलेगी। समझ रहे बात को? तो हमें भगवान से मिलने जाना है, मंदिर नहीं जाना है। कहाँ जाना है? भगवान से मिलने। भगवान से मिलने के लिए कहाँ जाना? भगवान के घर जाना। भगवान का घर ही तो मंदिर है। अगर भगवान की उपस्थिति का एहसास कर लोगे तो तुम्हारी भावधारा ही बदल जाएगी। पर विडम्बना ये है कि भगवान के चरणों में जाने वाले को भी भगवान का एहसास नहीं होता, क्योंकि भगवान तो दिखते ही नहीं, मूर्तियाँ दिखती है, तो आप भी मूर्ति बनकर आ जाते। मूर्ति को नहीं मूर्तिमान को पूजो, प्रतिमा को नहीं भगवान को पूजो, मंदिर नहीं भगवान से मिलने जाना शुरू करो, तो बदलाव आएगा। दूसरी बात, हमारे जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप हैं वे सब बड़े उपयोगी हैं, निरर्थक कुछ भी नहीं, लेकिन इन क्रियाकलापों को करने के पीछे जो आध्यात्मिक भावना है, यदि उन्हें हम समझ लें, उन्हें आत्मसात कर लें, तो हमारे जीवन में चार चांद लग जाए। इसलिए धार्मिक क्रियाकलापों के प्रयोजन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को आध्यात्मिकता से जोड़े, रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल को जोड़ कर चले। सुपरनाम सुनिश्चिता। चलिए, नितिन किरण जैन IRS और तैयार रहेंगे मनीष मोना जी जैन दुबई, जो शिरोमणि सरण से ढूंढ आए थे। न्याय क्या है? जन मन की प्रसन्नता, बहुमत का निर्णय या सत्य का साथ? न्याय क्या है? जन मन की प्रसन्नता, बहुमत का साथ या सत्य का साथ? सत्य का साथ। बहुमत का निर्णय या सत्य का साथ? अगर मुझसे पूछो कि न्याय क्या है, तो आम जनों की भाषा में तो तीसरे क्रम का ही उत्तर होगा, है ना? पर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा अन्याय से मुक्ति ही न्याय। अन्याय से मुक्ति न्याय है। न्याय को एक परिभाषा में मत बांधो, और इसमें कभी कभी सत्य का साथ भी अन्याय दिखने लगे तो हमें दूर हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ एक नीति बताई गई है, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात ना ब्रियात सत्यम अप्रियम। न्याय के साथ नीति का भी अनुपालन होना चाहिए, क्योंकि न्याय व्यवस्था के लिए है, व्यवस्था न्याय के लिए नहीं। इसलिए हमारे यहाँ न्याय नीति शब्द का प्रयोग हुआ है, और उसको व्यापकता से देखना चाहिए, और अन्याय से बचना और बचाना ही न्याय का मूल ध्येय होना चाहिए। ठीक है, चलिए। मनीष मोनाई जैन दुबई, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायत, और संजय आदित्य हनी जैन दुबई, शिरोमणि संरक्षक गुणायत। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है। मेरा पूजा में बहुत मन लगता है, और मैं एक चीज़ जो पहले करती थी, अभी मुझे किसी ने मना किया और मैं भी नहीं कर रही हूँ, पर मेरा मन है कि मैं उसे दोबारा चालू करूँ, तो उसकी अनुमति मैं चाहूँगी कि क्या वो सही है या गलत है। तो मेरे पास एक ऋषि मंडल यंत्र है जिसकी मैं शांति धारा करती थी, और मेरे पापा जी ने मुझे सिखाया शांति धारा करने को, उसको कैसे करते हैं। तो पर अभी मुझे किसी ने बोला कि वो लड़कियाँ नहीं करती हैं,
क्या मैं वो कर सकती हूँ? पहले तो मैं चाहूंगा एक बार इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें। ये दुबई में रहते हुए भी पूरी तरह धर्मनिष्ठ जीवन जुड़ते हैं, से जुड़े हुए हैं, धर्म क्षेत्र में बहुत आगे, और गुणायतन के लिए भी इनका बड़ा उत्कृष्ट योगदान है। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। देखिए, जहाँ तक ऋषि मंडल का सवाल है, ऋषि मंडल यंत्र में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मूलभूत आगम के अनुकूल नहीं, इसलिए यदि आपने बंद कर दिया है तो बेहतर है आप उसे दोबारा चालू ना करें। जहाँ तक यंत्रों का अभिषेक का सवाल है, तो कुछ यंत्र इसीलिए बनाए जाते हैं जिनका हर कोई अभिषेक कर सके, लेकिन यंत्रों को घर में तभी रखना चाहिए जब उस स्तर की शुद्धि कर पाओ। कई बार सही शुद्धि, समुचित शुद्धि ना होने के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी से कहूँगा, जितना बने इनका प्रयोग कम करो तो अच्छा है। उन्हीं यंत्रों का प्रयोग करो जिनकी शुद्धि अशुद्धि का विकल्प ना हो और जिनके अभिषेक आदि की बाध्यता ना हो। हम मंदिर जाएं, भगवान का अभिषेक देखें, अपना काम कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोगों के ऐसे भी अनुभव प्रकाश में आए कि उन्होंने यंत्रों का ठीक ढंग से शुद्धि नहीं की, पालन नहीं किया, परेशानियाँ बाद में उसे हटा दिया, परेशानियाँ मिट भी गई। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना। हाँ, संजय आदित्य हनी जैन दुबई, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के, उनका भी स्वागत अभिनंदन, धर्म प्रभावन समिति के पदाधिकारी वहीं जाकर उनका स्वागत अभिनंदन कर दे। हाँ, अशोक रानी दोषी, दिलीप जी गोदा, नवीन जी अध्यक्ष से, हाँ वहीं जाकर प्रश्न भी हो जाए, जब तक करो अपना काम, दोनों कार्य एक साथ हो जाएंगे। महिलाओं के सम्मान के लिए भी रानी जी दोषी चले जाएं वहाँ पर, और आप अपना प्रश्न करें हनी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विवेक जी जैन सिंगापुर। सभी मंचासीन मुनियों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी एलक जी के चरणों में इच्छा में। महाराष्ट्री, आज के सत्र में सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से दिए आपने, लाइफस्टाइल एंड हमारे कार्य को लेके, एवरीडे रूटीन को लेके अच्छा गुरु मंत्र मिला। हाँ। मेरा सवाल ये है आज के लिए कि हम आपकी लिखी हुई किताबें, जैसे हम किसी नॉन जैन को दे रहे हैं और वो उसको एक कॉमन नॉवल की तरह पढ़ता है, बेड पे, सोफा पे, कुछ खाते हुए एक नॉवल की तरह रीडिंग कर रहे हैं, तो वो जो चार बातें या कोई भी ग्रंथ या शास्त्र या सिंपल सी बुक आपकी लिखी हुई, हमको दोष लगेगा अगर हम उनको दे रहे हैं तो? देखो, धर्म प्रभावना के लिए हमें कई लोगों को इस तरह की पुस्तकें देनी पड़ती हैं, पर इसमें दो चीज़ें, एक प्रवचन आदि की पुस्तकें जो हमारे धर्म का साहित्य, और एक है धर्म ग्रंथ। तो प्रवचन आदि की पुस्तकें आप किसी को दे सकते हैं, मूलभूत धर्म ग्रंथ हम जिस किसी को न दें उन्हीं को दें जिनके लिए उसका बहुमान हो, जो रख सकते हैं। समझ गए? मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का भी जोरदार अभिनंदन कर दें। ये कोलकाता, हजारीबाग और दुबई तीनों जगह में रहते हुए धर्म की विशेष प्रभावना में लगे हुए हैं, जोरदार अभिनंदन। चलिए आगे, संस्कृति पाठशाला चल रही है जो दुबई में, उसका बहुत ही लाभ ले रहे हैं सबको, और हमको लग रहा है कि आपके नाम की वजह से हमारे गुरु हैं जो हम इतनी दूर रह के भी आपका सानिध्य पा लेते हैं। बहुत सुंदर, आशीर्वाद। हाँ। विवेक जी जैन सिंगापुर। हाँ, और उसके बाद में रितिका जी काशलीवाल जयपुर, उनके साथ में रहेंगी प्रियंका जी जैन जयपुर। आप रितिका जी जो है मुख्य यजमान इस चातुर्मास के, उनकी सुपुत्री हैं, और अभी पूज्य महाराज श्री जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का बहुत बड़ा एक बीड़ा उठा रही हैं। रितिका काशलीवाल, प्रियंका जैन, और उसके बाद में अभिषेक जी जैन आईएएस, जो सीएसडीएम सेंधवा, एसडीएम सेंधवा अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है, कमेटी उनका भी पूरा स्वागत अभिनंदन करें वहाँ पर जाकर। नवीन जी आनंदी चले जाएं। नमोस्तु महाराज जी,
रक्षाबंधन का यह त्यौहार बहन की सुरक्षा और भाई के कर्तव्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या यह आज के दौर में ये फेस्टिवल महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए पुरुषों पर निर्भर रहने की मानसिकता को बढ़ावा नहीं देता? क्या हमें इस परंपरा को नए नज़रिए से नहीं देखना चाहिए ताकि महिलाएं खुद को स्ट्रांग महसूस करें और सुरक्षा की जिम्मेदारी समाज के हर सदस्य की बने, ना कि केवल भाई की? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि भाई बहन की सुरक्षा के लिए रक्षाबंधन नहीं करता, ये गलत अवधारणा है। एक बार एक अमेरिका के सज्जन मेरे पास आए, बातचीत में उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमारे यहाँ भारतीय परंपरा की बात हुई, वो भारतीय मूल के थे, अमेरिका में रहते थे, तो बहुत सारे लोगों ने चर्चा में कहा और चर्चा में एक दिन बात कहा कि भारत में महिलाओं को बहुत कमतर दृष्टि से देखा जाता है, कमतर रखा जाता है। तो उन्होंने कहा, मैंने उन सबके बीच एक बात कही कि हमारे भारत में महिलाओं को जितनी श्रद्धा और सम्मान से देखा जाता है दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता, और उसके लिए भारत में एक दिन निश्चित है रक्षाबंधन का, जिस दिन अगर कोई भाई कोई बहन अगर किसी भाई की कलाई में राखी बांध देती है, कोई स्त्री किसी युवक के हाथ में या किसी पुरुष के हाथ में कलाई बांध देती है, कलाई में राखी बांध देती है, तो उसी दिन से वह पुरुष उस स्त्री का भाई और स्त्री उसकी बहन बन जाती है, उसकी दृष्टि में इतनी पवित्रता आ जाती है। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण केवल भारत में देखने को मिलेगा, अन्यत्र कोई नहीं मिलेगा। सुनने वाले ताजुब खाकर रह गए। ये चीज आप अपनी मानसिकता से हटाइए कि भाई बहन की रक्षा करेगा, नहीं, भाई अपनी दृष्टि में पवित्रता लाकर अब उसको एक स्त्री की तरह देखने की जगह बहन की तरह देखेगा, और बहन उसे एक पुरुष की तरह देखने की जगह भाई की तरह देखेगी। ये है दृष्टिकोण। ये तो हमने ऊपर से ले लिया, रक्षा कौन किसका करता है? कोई दूसरा मेरी रक्षा नहीं कर सकता, मेरी रक्षा मेरा अपना पुण्य ही करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। ये बात अंदर से अपनाइए और अपने आप को कहीं से कमतर मत आखिए, अपने आप को भीतर से स्ट्रांग बनाइए। स्त्री हो या पुरुष, स्वरक्षा का धर्म हमारा जैन शासन सिखाता है। स्त्रियों को भी युद्ध कला में निपुणता की बात सिखाई गई है। कैकेयी को युद्ध कला में पूरी तरह से निपुणता थी। ऐसा नहीं है कि आज हमारी स्त्रियां दब्बू बन के रहे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, दब्बू भी मत बने पर आक्रामक भी ना बने। एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत तरह की दरिंदगी पूर्ण व्यवहार लोगों का देखने को मिलता है, जो घोर निंदनीय है, पर दूसरी तरफ ये भी देखने में आता है कि आज की महिलाएं ज़्यादा आक्रामक होने लगी, ये भी बहुत खतरनाक है। दोनों तरह की अतियां हानिकारक है। हमें अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, और ये बात गांठ में बांध लेना चाहिए कि मर्यादा की रक्षा में ही जीवन की सुरक्षा। रितिका और उसकी पूरी टीम का जोरदार अभिनंदन कर लीजिए। अभी आप लोग यहाँ की बात को पूरी दुनिया में प्रसारित होते देख रहे हैं, इसमें ये पूरी टीम बहुत तत्परता के साथ लगी है, जोरदार अभिनंदन कीजिए। हाँ, अभिषेक जी सर, आप SDM सेंधवा और उनका धर्म प्रभावना समिति स्वागत कर रही है, साथ में दे रहे हैं इसे पूरे महान अनुष्ठान के महामंत्री हर्ष तृप्ति जैन और श्री मुकेश जी पाटोदी मुख्य यजमान। मुकेश जी पाटोदी वे भी आ जाएं। हो गया, चलो बोलो। हाँ, आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन। हाँ बोले भैया, चलते हैं। महाराज जी, हमें सिखाया गया है कि पाप कृत कार्य अनुमोदना तीनों है, है ना? और कई बार नौकरी में ऐसा होता है कि नियम कानून एक तरफ और धर्म उससे एकदम उल्टा। उदाहरण स्वरूप मैं बताता हूँ, मैंने 26 साल से पटाखे नहीं फोड़े, पर SDM होने के नाते अस्थाई पटाखे की बिक्री के लाइसेंस देने पड़ते हैं, और लोगों ने लाखों के पटाखे बेचे उसमें और फोड़े भी। ये एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं नौकरी में, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, अतिक्रमण हटाने के क्षेत्र में हो। अब ऐसे में एक बार गलती हो तो प्रायश्चित भी ले लें, ऐसी गलतियाँ बार बार होना है और होना ही है, उसको रोक भी नहीं सकते। तो ऐसे में प्रायश्चित, ऐसे धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ,
संस्कार निष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का जोरदार अभिनंदन कीजिए। अभिषेक बहुत छोटे से जुड़ा हुआ और आज IAS के रूप में देख करके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। इनका पूरा परिवार बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ है। जो बात तुमने कही है उस बात के संदर्भ में दो बातें कहूँगा। एक है आत्मधर्म और दूसरा है प्रोफेशन रिलेटेड धर्म। तुम्हें दोनों धर्मों को निभाना है, समझ गया? एक राजा अगर धर्मी होगा तो उसे अपने राजकाज का पूरा प्रबंध करना पड़ेगा। उसका धर्म नितांत वैयक्तिक है, लेकिन पूरी जनता को वो अपने धर्म से नहीं चला सकता। प्रजा को अपने धर्म से जीने की स्वतंत्रता देना भी उसकी बाध्यता है, समझ गए? तो राजा वैसा करता, वो उसका राजधर्म और एक आत्मधर्म। इसी तरह आप जैसे प्रशासनिक अधिकारी या प्रोफेशन के क्षेत्र में जो भी लोग हैं, उनको चाहिए कि वो अपना व्यक्तिगत धर्म तो व्यक्तिगत स्तर पर अच्छे से निभाए, लेकिन जब अपनी कुर्सी पर बैठे तो एक प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत से जो उनका कर्तव्य है वो उस कर्तव्य को ही अपना धर्म माने। ये प्रोफेशन रिलेटेड धर्म, समझ गए? इतना करके आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ी कुशलता लगाकर कुछ काम कर सकते हैं कि आप की ये बाध्यता है कि आपको लाइसेंस इश्यू करना होगा, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए कमी कर दो तो इससे अच्छी बात क्या होगी। उसको जितना कम कर सकते हो तुम्हारे लाभ के लिए, लेकिन उसको आप रोक नहीं सकते। जितने भी ऐसे प्रसंग आते हैं उस समय अपनी कुशलता का परिचय दो और जो करना पड़ रहा है उसे केवल प्रोफेशन रिलेटेड धर्म मानो। एक कर्तव्य है जो निभाना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर आप काम नहीं कर सकते। फिर तो बढ़िया है। और मैं तो बोलता हूँ पाप से अगर बचना है तो आ जाओ हमारे पास, रास्ता तो एक ही, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गृहस्थी में कहीं भी रहोगे छुटपुट पाप तो होके ही रहेंगे, उनमें अपने को देखकर काम करना चाहिए। शुभ जैन USA, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पुष्पा जी बेनाडा आगरा। शुभ कहाँ है? शुभ नहीं है, दो वर्जीनिया। हाँ दो पुष्पा जी बेनाडा। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, मैं USA वर्जीनिया में रहती हूँ और जब भी हम भोजन बनाते हैं तो कभी मात्रा ज़्यादा बन जाती है और वहाँ पर कोई ऐसे ज़रूरतमंद भी नहीं होते कि जिन्हें हम खाना दान दे सकें क्योंकि वहाँ के रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिर से बोलिए। हम लोग USA में रहते हैं महाराज जी, वर्जीनिया में। जब हम भोजन बनाते हैं तो भोजन कभी ज़्यादा बन जाता है और फिर हम उसे ज़रूरतमंद को दे नहीं पाते क्योंकि वहाँ के कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो फिर हमें बासा खाना पड़ता है महाराज जी। और जैन धर्म में बासा खाना खाना नहीं चाहिए, तो अब हम अन्न का अपमान करें या बासा खाना खाएं उसमें बड़ी दुविधा हो जाती। बिल्कुल सही बात है। इसमें सबसे पहले तो हमें जैन धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। पहले तो मैं कहूँगा इस बहन का जोरदार अभिनंदन करें, ये अमेरिका में रहते हुए भी प्रामाणिक समूह से जुड़ी है और इन्होंने अपनी जो भावना का चमत्कार बताया, समय नहीं है नहीं तो मैं सार में बताता हूँ। इन्होंने सोचा था कि मेरा घर मंदिर के पास हो, प्रवचन में सुना और मन में बनाया कि मंदिर के पास हो। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, इनका घर मंदिर के पास हो गया और जब वहाँ गए 25 साल से जो मंदिर नहीं बन पा रहा था, साल भर में मंदिर बन गया।
सारे भगवान पहले से बुक हो गए थे, लेकिन इनके भाग्य से मूल नायक वाला पीछे हट गया और इनको भगवान भी मिल गए, और वो सारे भगवान जिनको हम ही लोगों ने प्रतिष्ठा करके भेजा, ये सारा सुयोग भावना के फल स्वरूप प्राप्त हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तम भाव के साथ किए गए कार्य का परिणाम जरूर मिलता है। आपके सवाल के उत्तर में मैं ये कहूँगा कि जैन धर्म में एक बात कही गई, अनर्थ दंड से बचो। ज़्यादा बनाओ क्यों? बनता तो ज़्यादा नहीं है महाराज जी। सुनो तो, ज़्यादा बनाना नहीं पहला काम, और फेंकना नहीं दूसरा काम। ज़्यादा बनाना नहीं, फेंकना नहीं, अब महाराज क्या करे, बच जाए, कभी खाने की इच्छा ना हो, अनिच्छा हो जाए, लिमिट का बनाया, अब क्या करे। तो आप तो अमेरिका में हो, वहाँ चीज़ों को प्रिजर्व करने के पर्याप्त साधन हैं, तो सुरक्षित खा रख लो, बाद में खा लेना, बासा खाने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि खाने तक वो फ्रेश बना रहेगा। बासा खाने का दोष तभी मानना जब वो फ्रेश ना हो, तो फ्रेश हो, इसलिए आप भी अपना मूड फ्रेश रखो, नो टेंशन। चलिए रांची से चंद्रकला जी पाटिल, और उसके बाद में ममता मनोज जी जैन जो एमडी हैं श्री राम लाइफ हैदराबाद के। मेरी तरफ से, जगत के सब्जियों की तरफ से, रांची वालों की तरफ से, मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, संसार का जितने भी शब्द हैं सब भगवान की वाणी से निकले हैं, उन्हीं से ही शास्त्र बने हैं और उन्हीं से साधारण किताबें बनी हैं और पेपर वगैरह भी छपते हैं। तो लोग शास्त्रों का या धर्म की किताबों का तो थोड़ा बहुत विनय कर लेते हैं, लेकिन उन शब्दों का विनय नहीं कर पाते जो पेपर में छपते हैं और साधारण किताबों में रहते हैं। तो उसमें घोर असाधना होती है शब्दों की, तो शब्द की साधना किस प्रकार से करें हम? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। हमें अक्षर को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अक्षर को ब्रह्म माना है, और इसलिए किसी भी अक्षर से अंकित कागज या अन्य चीज़ों का कभी ऐसा प्रयोग या उपयोग नहीं करना चाहिए जिसमें उसका अनादर हो। बहुत कम लोग हैं जो इस पर ध्यान देते हैं। आप लोगों से अनजाने में बड़ा अनर्थ होता है, अखबारों पर बैठना, कागज के पूड़ों पर खाना, और कई लोग तो उसी कागज से मल मूत्र भी साफ कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इससे तीव्र ज्ञानावरण कर्म का बंद होगा, ये असाधना है। व्हाइट पेपर का प्रयोग कीजिए, आजकल तो सब जगह टिश्यू पेपर और अन्य चीज़ें उपलब्ध हो जाती, जिनमें कोई भी प्रिंट हो, आज से लेकर ह वर्ण तक सिद्ध चक्र की आराधना में इन सारे शब्दों को मंत्र के रूप में आराधित किया जाता है, तो इनका प्रयोग कतई नहीं होना चाहिए, इनसे पूरी तरह बच के रहना चाहिए। इंग्लिश का क्या करें महाराज? तो भैया, इंग्लिश है तो शब्द ही, जिनसे आप पढ़ते लिखते सीखते हैं यथासंभव उनसे बचाइए। हम तो बोल रहे व्हाइट पेपर का प्रयोग कीजिए, पैर आदि के न लगे, यथासंभव ध्यान दीजिए। हाँ मनोज जी। ओम नमोस्तु मनोज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, मेरे बच्चे दोनों इंडिया से बाहर हैं, और जब भी मैं उनसे मंदिर जाने के लिए बोलता हूँ तो वो एक ही जवाब देते हैं कि पापा भगवान सब जगह हैं, हम घर में ही बैठ के साधना कर लेते हैं या घर में ही बैठ के ध्यान कर लेते हैं, लेकिन मंदिर नहीं जा पाते हैं। देखिए, ऐसा हुआ एक बार, एक ऐसे ही परिवार के बच्चे को मुझसे कहा गया कि महाराज जी इसे कहो मंदिर जाओ। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात? बोले भगवान सब जगह है। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहता है, भगवान सब जगह है, बताओ हवा भी सब जगह? बोले है, हवा सब जगह है। हमारे ये बताओ, तेरी गाड़ी में हवा भरनी हो तो क्या करते हो, कहीं से भी हवा लेके भर जाते हो? नहीं महाराज, उसके लिए तो फिलिंग स्टेशन जाना पड़ता है। बोले क्यों, हवा सब जगह है तो कहीं से लेके भर लो।
बोले नहीं महाराज, उसके लिए फिलिंग स्टेशन जाना पड़ता। क्यों जाना पड़ता? बोले सब जगह वैसा प्रेशर नहीं रहता, फिलिंग स्टेशन में वैसा प्रेशर रहता है तो हवा भर पाती है। हमने कहा भगवान भले सब जगह हो, प्रेशर केवल मंदिर में होता है, इसलिए मंदिर जाना चाहिए। बच्चों को ये समझाइए, मेरे पास ले आओ, सबका समाधान हो जाए। समझ गए? और बंधु कल भावना योग का तीसरा दिन और आखिरी दिन है। कल प्रातः काल जो अब तक दो दिन नहीं आ पाए वे कल आए, और आप सबसे मैं कहता हूँ आप आए अपने साथ अपने उन मित्रों को लाए जो मूलतः जैन नहीं है लेकिन वो आकर अपने जीवन में बदलाव घटित कर सके। और परसों कल दोपहर में युवाओं के लिए डेढ़ घंटे का एक विशेष सत्र जो 3:30 से 5 बजे तक होगा, और वह केवल 15 वर्ष से 35 वर्ष के युवक युवतियों के लिए होगा यहीं अभय प्रशाल में। वहाँ और किसी की एंट्री नहीं होगी, इसका आप ध्यान रखें। जो रक्षाबंधन का दिन है प्रातःकाल 19 तारीख को रक्षाबंधन का दिन, श्रावक श्रावणी पूर्णिमा, और उस दिन प्रातःकाल सबसे पहले 1008 मंत्रों से भगवान का 55 मिनट की महाशांति धारा होगी, आप उसका लाभ लें। और उस दिन विशेष प्रवचन होगा साधर्मी को गले लगाओ वात्सल्य का भाव जगाओ, इस विषय पर आप उसका लाभ लेंगे। और उसके बाद आने वाले पर्युषण पर्व की मुझे जो जानकारी मिली, लगभग 85% लोगों ने अपना स्थान दस लक्षण के लिए आरक्षित कर लिया, बहुत थोड़ी सी जगह बची है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको वंचित रहना पड़े। इसलिए जो लोग भी दस लक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं शीघ्र कर ले, संख्या पूर्ण होते ही रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, और इसका लाभ इंदौर के लोग ले तो वो उनके हक में ज़्यादा रहेगा। बाहर तो आप क्या पता कब आ पाओगे, लेकिन यहाँ रहते हुए भी भाग न ले पाओ तो आप ही जानो, अपना भाग जगाइए और जल्दी अपना पंजीयन कराइए। बोलिए। परम पूज्य मुनिवरी प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, समस्त आगरा वालों का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वह मुनिराज के चरण मैं चली गई तो लोगों ने मुझे घर में बोला और समाज के लोगों ने भी कि अब उम्र हो गई है, अब ज़्यादा आना जाना कम करो, अब स्थिरता लाओ, घर में रहा करो, घर में धर्म ध्यान करो। तो मेरी ये आपसे जिज्ञासा है, क्या घर में रहने से धर्म ध्यान होता है? धर्म ध्यान की और स्थिरता की परिभाषा क्या है? जहाँ धर्म ध्यान हो वहाँ रहो, पर भाग दौड़ में धर्म ध्यान नहीं होता, ये तय है। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवत् श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।